आज मेरे घर संडे ब्रेकफास्ट में क्या है, चलिए देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अभी अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी का निशान है, उसे भी टच कर लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज मेरे घर संडे क्या बना हुआ है। इस वक्त बरसात का सीज़न है तो घर में अगर केला कहीं से आ रहा है तो केला लोग खा नहीं पा रहे हैं, केला खाने पे सर्दी जुकाम हो जा रहा है। तो घर में जब केला पड़ा हो तो हम सोचते हैं कि इसका क्या बनाएं कि केला यूज़ भी हो जाए, फेंकना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या बनाएंगे कि हम खा भी लेंगे और हमें नुकसान भी नहीं करेगा। तो मैंने लिए हैं 4 केले, चलिए पहले तो इसे छील लेते हैं। अब अपने बनाना को मैश कर लेते हैं। तो मैश आपको अच्छी तरह इसे करना है ताकि कोई गुठलियाँ ना रहे इसमें। अपने मैश किए हुए केले को एक गहरे बर्तन में ले लेते हैं और इस कटोरी से, आप जिस भी कटोरी से मापिए सेम मापिए, कप से कटोरी से, तो इस छोटी कटोरी से मैंने एक कटोरी लिया है चीनी। और अब डाल लेते हैं इसमें 2 कटोरी आटा और अब इसी कटोरी से आधा कटोरी चावल का आटा। आप चावल के आटा की जगह सूजी भी ले सकते हैं। और अब इसमें डाल लेते हैं बेकिंग पाउडर, तो 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। और अब इसमें डाल लेते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और अब चलिए एक बार मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को अपने केले और चीनी के साथ। अब धीरे धीरे पानी डालकर आपको हाथों से ही इसे मिक्स करते जाना है। एक बार इकट्ठा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे मिक्स करते जाते हैं। थोड़ा सा पानी और डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह। और देख लीजिए अब इसे इसी कंसिस्टेंसी का आपको बनाना है अभी तो, और इसे ढक करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए ताकि चीनी अच्छी तरह घुल जाए। फिर बनाने के टाइम पे हम इसे चेक करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को कि हमें कितना गाढ़ा और कितना पतला चाहिए। तो बस अभी इतना ही गाढ़ा हम इसे ढक करके छोड़ देते हैं। और इसके साथ बन रहा है आलू का आलू दम आलू। तो दम आलू के लिए आलू उबाल लिया है और आलू उबाल करके छील लिया है। कुकर में बनाएंगे तो कुकर को गर्म कर लिया है और डाल लिया है सरसों तेल, देते हैं तेज पत्ता, तो 2 तेज पत्ते डाल लिए हैं और 1/2 चम्मच खड़ा जीरा। थोड़ा सा इसे लाल हो जाने देते हैं। अब डाल लेते हैं प्याज, जिसको छोटा छोटा काट लिया है। तो 2 प्याज लिया है, प्याज को थोड़ा सा हमें भून लेना है। अब डाल लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो 1 चम्मच लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 1 बड़ा टमाटर जिसे काट लिया। टमाटर को छोटा ही काटा है, भून लेते हैं अदरक लहसुन और टमाटर को। टमाटर भी भून गया है, डाल लेते हैं 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर 1/2 चम्मच,
और लाल मिर्च पाउडर हाफ चम्मच, तो तीखा तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और डाल लेते हैं इसमें दम आलू का मसाला, वो एक चम्मच ले लिया है, वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है। और डाल लेते हैं इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। दो तीन चम्मच पानी डाल लेते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और इसके साथ अच्छी तरह भून जाए। आलू को तोड़ लेते हैं, आलू को हाथों से ही तोड़ लेंगे, पीस पीस काटना नहीं है, तो मोटे मोटे पीस आप इसे हाथ से तोड़ लीजिए। तो मैं तो इसे इस तरह बना रही हूँ, आप चाहें तो काट के चाहे बना सकते हैं। इधर मसाला भी हमारा भुन रहा है, देखिए मसाले ने तेल छोड़ दिया है। चलिए मसाला हमारा भुन गया है, तो अब डाल लेते हैं हम अपने आलू को। चला लेते हैं मसाले के साथ आलू को, तो बिल्कुल हल्के हाथ से चलाइएगा वरना सारा आलू ज़्यादा टूट जाएगा। मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेते हैं, डाल लेते हैं पानी, तो पानी आपको जितना गाढ़ा जितना पतला करना हो उतना कर लीजिएगा। तो डाल लेते हैं आधा ग्लास पानी, चला लेते हैं। तो ये देखिए बस, और अब लगा लेते हैं हम अपने ढक्कन को, लेकिन हमें इसमें सीटी नहीं लगानी है, बिल्कुल हाई फ्लेम कर दीजिए। और जैसे ही आपका प्रेशर आ जाए बस आप अपने गैस को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए जैसे ही बस प्रेशर आपका आ जाए आपको अपने गैस को बंद कर देना है, क्योंकि हमें इसमें विसल नहीं लगाना है, हमारा क्योंकि आलू बॉयल है उबला हुआ है तो इसलिए आपको विसल नहीं लगाना है। और बस ठंडा हो जाए, जब प्रेशर निकल जाए अपने आप, तब आपको अपने सब्जी को खोलना है। तो चलिए वेट करते हैं तब तक। तो अब चलिए आधे घंटे हो गए हैं रेस्ट करते हुए, इसे खोलकर देख लेते हैं। अब इसे एक बार अच्छी तरह हम लोग फिर से फेंट लेते हैं, खूब अच्छी तरह इस तरह आपको फेंट लेना है। तो इस तरह आपको खूब बढ़िया से इसे फेंट लेना है, और बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। मैंने इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, चीनी घुला और घोल करके ये देखिए बहुत परफेक्ट इसका आ गया है जैसा कि हमें चाहिए। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने पैन में यानी कि फैले हुए बर्तन में तेल डाल लिया है, और इसे बहुत ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना है, यानी कि बहुत हाई फ्लेम पे और बहुत ज़्यादा गर्म इसे नहीं करना है। तो चलिए अपने बैटर से डाल लेते हैं, हमें छोटे छोटे इसके बन बनाने हैं, आप इसे मालपुआ कह सकते हैं, लेकिन मालपुआ का बैटर थोड़ा पतला होता है, इससे ये थोड़ा गाढ़ा है। तो इस तरह आप फैला हुआ लेंगे तो एक साथ इसमें तीन चार आराम से बन जाएगा। इसे आपको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई पे नहीं करना है, वरना ये अंदर कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए इसे आपको लो फ्लेम पे फ्राई करना है। डाल करके आपको अभी बिल्कुल छूना नहीं है, इसे आराम से इसे होने दीजिए। तो चलिए इसे पलट लेते हैं, देख लेते हैं, ये देखिए
कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसी तरह सभी को पलट लेते हैं। तो ऊपर का जब अच्छी तरह आपका एक साइड से हो जाए ना, तभी आप इसे पलट लिए। तो जिसे हमने बाद में डाला है ना, इसे थोड़ा सा रुक कर पलटते हैं। ये देखिए, ये भी हो गया है। तो ये देखिए जाली कितना अच्छा पड़ा है इसमें, ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा जाली किनारे किनारे से पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये देखिए हो गया है, इसे हम निकाल लेते हैं। अच्छी तरह इसका तेल पहले आप निकाल लीजिए। कलर भी कितना प्यारा आ गया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। और जितनी बार आप डालें उतनी बार इसे एक बार फेंट लें जरूर, अच्छी तरह एक बार फेंट लें फिर इसे डालना शुरू करें। तो चलिए दोबारा इसमें डाल लेते हैं। तो छोटे छोटे ही बनाइए, बड़ा बनाना नहीं है आपको, कि छोटा छोटा कोई भी चीज़ बनाइए तो सर्विंग में बहुत अच्छा लगता है। ये भी हमारी मस्त बनी है एकदम। तो चलिए पहले सब्जी रख लेते हैं अपने प्लेट में, और आप चलिए रख लेते हैं अपने मालपुए को। तो रेसिपी बहुत ही झटपट से बन जाने वाली है। और अगर आपका आपके घर में पका हुआ केला पड़ा है, कोई नहीं खा रहा है उसे इस वक्त, तो आप ये रेसिपी बना लीजिए। देखिए सभी कितने खुश होकर खा भी लेंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कैसा हुआ है ये। तो ये देखिए अभी तो बहुत गर्म है, ये देखिए अंदर से बिल्कुल जालीदार हुआ है, एकदम सॉफ्ट आप देख सकते हैं। कुछ भी नहीं लगा है, बस आटा चीनी और केला यही हमने मिलाया है इसमें, लेकिन टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।